देखें जी, ये कोई मैंने शायद 7-8 जगहों पे ऐसे पाकिस्तान, टर्की और दिस किंग ऑल ऑफ दिस अजरबैजान इट ओन दिस किंग ऑल टाइम्स अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। आज का दिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, लेट क्या, बहुत ही ज़्यादा लेट। अभी इस टाइम हूँ मैं होटल में जिसमें मैंने कल स्टे किया था, कि आज सारा दिन मैंने ऑफिस के काम निपटाए, कुछ और काम थे वो किए। आज कोई ख़ास प्लान नहीं है, बस जस्ट एक यहाँ का लोकल डिश है, वो क्या है वो मैं वहीं पर जाकर देख कर बताऊँगा, लेकिन उसको ट्राई करना है। खाने का ऑर्डर किया हुआ है ऑलरेडी, अभी उस रेस्टोरेंट पे जाना है ट्रेन पकड़ के, देन उसके बाद आपको वहाँ की अपडेट करूँगा कि वो जो लोकल डिश है वो है कैसी एंड कितने में मिली है और कहाँ से, कौन से रेस्टोरेंट से मिलेगी आपको। चलें जी, सफ़र हो गया स्टार्ट पैदल पैदल का, 1 किलोमीटर तकरीबन चल गया है और ये सामने निर्माण स्टेशन है मेट्रो का नीचे, तो यहाँ स्टेशन से जाके मेट्रो लेनी है और जाना है साहिल के स्टेशन पे, देन वहाँ से वॉक करके निज़ामी स्ट्रीट, जो रेस्टोरेंट है वो है निज़ामी स्ट्रीट के बराबर में। चलें जी, ये साहिल के एरिया पे पहुंच गए हुए हैं। ये सामने रहा दिनेश पार्क जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, और आजकल ये इन बिल्डिंग्स, अब मुझे नहीं पता कि ये पहले भी इस तरह था कि नहीं था, लेकिन इन बिल्डिंग्स पे गवर्नमेंट ने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग कर दी हुई है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में Formula 1 का इवेंट स्टार्ट हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से ये सामने अगर आपको फेंस नज़र आ रहे होंगे तो डबल फेंस लगा दिया रोड पे, तो इन्हीं रोड पे Formula 1 की जो गाड़ियां होंगी उनकी रेस होगी, और वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा होगा वो सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है इस तरह पूरे ट्रैक पे, Formula 1 के ट्रैक पे डिफरेंट जगहों पर बनाया हुआ है इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट, और लेकिन आप डबल फेंस करके इसको, ताकि लोग जो है ना वो रोड के करीब ना जाएँ। तो ये मेन सेंटर सिटी है इसका बाकू का, साहिल, और आगे आ जाएगा इचारी शहर और निज़ामी, ये तीन एरिया जो है ना मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की। तो अभी मैं थोड़ा सा साहिल पे टाइम स्पेंड करूँगा और देन उसके बाद जाके यहाँ वहाँ पे रेस्टोरेंट जाऊँगा जहाँ पे खाने का ऑर्डर किया हुआ है ऑलरेडी। ये आ गया जी साहिल का एरिया, और ये सामने रहा है दिनेश पार्क, और ये जो है वही दिनेश पार्क जो मैंने आप पिछली वीडियो में दिखाया था, ये उसका नाइट व्यू आप देख लें। इस राइट साइड पे मेरे कैस्पियन सी है और उधर उस तरफ ऑब्जर्वेशन व्हील है, एंड इस तरफ अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो तो फेमस फ्लेम टावर्स इस तरफ हैं। ये मैं आपको आगे ऊपर जा रहा हूँ एक जगह पे, वहाँ पे जाके सही इसका व्यू दिखाऊंगा फ्लेम टावर्स का,
ये वाला, तो ऊपर से जाके इसका ज़रा व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये कोई मैंने शायद 7-8 जगहों पे ऐसे पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान का जो है ना वो फ्लैग एक साथ देखा है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं काफ़ी लिखा भी होता है काफ़ी जगह बिर मिल्लती ऐसे कुछ करके ना, अच्छा एक कौम या ऐसे कुछ करके कुछ बोलते हैं, तो साथ में जो है ना वो तीनों कंट्रीज़ के फ्लैग्स होते हैं एंड पिक्चर्स लगी होती हैं। आपने भी जो इस टाइम के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, उनकी भी पिक्चर लगी होती है। लें जी, ये आ गया रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट नेम, व्हाट इज द रेस्टोरेंट नेम? माय नेम इज मुरा। एंड रेस्टोरेंट नेम? Yes. Restaurant name? Restaurant Dolma. Oh, Dolma restaurant है। और ये देखें, ये caves में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का एम्बियांस है। और ये बाकू का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है लोकल फूड्स के हवाले से। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मस्ट ट्राई, यहाँ पे आएँ और इनका ट्राई करें, शाह पुलाव, जो कि कुछ देखने में ऐसा है। ये वाला ही आपको पड़ेगा अराउंड 30-35 मन्नात का, अराउंड अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये बनता है आई थिंक 10 मन्नात हो गया 1000, तकरीबन 3500 रुपये का। ये 4 लोगों की सर्विंग का पुलाव है। तो रेस्टोरेंट में आपको साथ साथ दिखा देता हूँ कैसा है। ये केव्स में रेस्टोरेंट बना हुआ है एंड ये उनका लोकल बार एंड ये एंट्रेंस आएगा, तो ऐसा कुछ देखने में है ये रेस्टोरेंट। तो अभी बाकी खाना ऑर्डर हम लोगों ने वही प्लाव कर दिया है, अब जब वो आएगा तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है तो फिर आपको अपडेट कर दें। ले जी, ये हमारा फाइनली पुलाव आ चुका हुआ है, इसमें पुलाव है और ये शायद इसको भी काटेंगे। दिस ट्रेडिशनल पुलाव नेम दिस शाह पुलाव, दिस किंग ओल्ड पुलाव दिस अज़रबैजान, इट ओनली दिस किंग ऑल टाइम्स। ये है जी पुलाव, तो जी हसनैन भाई आप बताएं ज़रा आपको कैसा लगा ये पुलाव? प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी और पुलाव भी बहुत मज़े का, इट्स सेम लाइक जैसे हमारा काबुली पुलाव होता है ना, अफगानी पुलाव, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं, फिर इसके अंदर ये लैम्प है आई गेस, और साथ इसके आपको ये रायता जो देते हैं, इसके साथ जब आप सलाद डाल के खाते हैं तो कमाल टेस्ट। चलें, गुड हो गया जी। ले जी, खाना हुआ फाइनली, अभी इस टाइम निज़ामी स्ट्रीट पे वॉक कर रहा हूँ और मूव कर रहा हूँ होटल की तरफ। आज का दिन यहाँ पे हुआ एंड, और नेक्स्ट कल का थोड़ा सा बाकू से बाहर जाने का प्लान है, तो वो क्या प्लान है वो कल ही इंशाल्लाह मालूम पड़ेगा आपको भी और मुझे भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो ये वाली अच्छी लगे खाने की तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।